एयरबोर्न की ट्रेनिंग कराना, एयरबोर्न असॉल्ट के लिए तैयार करना। कल के दिन अगर कोई ऐसी कंटिजेंसी आती है जिसमें हमारे देश को इस तरह का मिशन अंडरटेक करना है, तो हम, मैं और मेरी टीम की ये जिम्मेदारी है कि हर एक पैराट्रूपर को सक्सेसफुली जहाज से किस तरह से बाहर निकाला जाए, जिस तरह से वो दुश्मन के एरिया में लैंड करके अपने मिशन को अंजाम दे। क्योंकि आप टीम को लीड कर रहे हैं, तो एक विशेष सवाल जानना चाहेंगे कि आप लीडर हैं तो आप में क्या खास, क्योंकि चयन किया जाता है लीडर का, तो उसमें क्या 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 खामियां मानी जाती है? ये तो चयन करता ही बता पाएंगे, बट मेरे हिसाब से लीडर शुड ऑलवेज लीड बाय एन एग्जांपल। तो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से, यही है जी। और कलरफुल बड़े जो पैराशूट होते हैं बड़े कलरफुल होते हैं, और ये जो तिरंगा वाला था ये किस तरीके से हो पाता है? क्या ये पहले से डिसाइड होता है या फिर जंप करने के बाद? नहीं नहीं, ये जो भी मनूवर हमने आज किया है ये सारा मनूवर ऑलरेडी प्री प्रैक्टिस होता है ग्राउंड पे, इसकी कई ब्रीफिंग की जाती है, उसके बाद ही हवा में। कोई भी हम ऐसी कार्रवाई नहीं करते हैं जिसकी ग्राउंड पे ब्रीफिंग नहीं होती है। हवा में जो ग्राउंड में ब्रीफिंग की है हमने, उसी के हिसाब से जो हमने आपने आज देखा, 3 मैन ट्रायो फॉर्मेशन, 2 मैन हैंड प्लेन फॉर्मेशन, फ्लैग जंप, ये सब हम ऑलरेडी ग्राउंड पे ब्रीफिंग करने के बाद ही, जब सुबह हमने आगरा से 6:30 बजे टेक ऑफ किया था तो उससे 1 घंटा पहले, मतलब आज हमारी 5 बजे रिपोर्टिंग थी, उसके हिसाब से हमने सारी कार्रवाई की। 8 तारीख को यानी एयरफोर्स डे को भी ये प्रदर्शन होगा, उस दिन कुछ खास है क्या? नहीं, उस दिन के लिए हमारे लिए सेम कंपोजिशन रहेगा, क्योंकि हम फाइनल डे कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, जो रेगुलर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी चीज को हम यहाँ पर दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। आखिरी सवाल, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देश के जो युवा हैं एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए मेरा और मेरी टीम का यही संदेश रहेगा, सारे पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर्स का, पीटीएस आगरा से मेरे कमांडिंग ऑफिसर और चीफ इंस्ट्रक्टर की तरफ से, कि भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे बेहतरीन वायुसेनाओं में से है, और मेरा आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि अपने मन में कोई भी संकोच ना रखें और एयरफोर्स ज्वाइन करें। एयरफोर्स ज्वाइन करना बहुत गर्व की बात है, इससे आपको पहले एक क्वालिटी ऑफ लाइफ आप यहाँ जी सकते हैं और आपको देश को सर्व करने का मौका मिलेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ आप एक तरीके से जी सकते हैं, और ये देश को समर्पित ये सभी लोगों का ये कहना है कि जो युवा हैं वो भी एयरफोर्स ज्वाइन करें, ये अपने आप में एक बड़े ही गर्व की बात है। अपने सहयोगी अंकित पांडे के साथ जितेंद्र भाटी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। फिलहाल बुलेटिन में वक्त